बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन केस की जांच सीबीआई के हाथ में आ गई है। सीबीआई लगातार इस केस से संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है, सबूत जुटा रही है और इन सबके बीच सवालों के घेरे में रिया चक्रवर्ती आ गई हैं। आप सब जानते हैं किस तरीके से रिया पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अपने मतलब के लिए सुशांत का इस्तेमाल किया, सुशांत के खिलाफ षड्यंत्र रचे, कई तरह के ऐसे दावे किए जा रहे हैं और इन्हीं दावों के बीच सुशांत सिंह राजपूत की एक दोस्त ने रिया सुशांत पर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सुशांत की दोस्त ने ये कहा, रिया और सुशांत दोनों के ही मैं काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थी। रिया पूरी तरह सुशांत के करियर और फाइनेंस को कंट्रोल किए हुए थी। रिया सिर्फ सुशांत के पैसों को ही नहीं बल्कि अपनी शॉपिंग पर भी सुशांत का पैसा काफ़ी खर्च करती थी। रिया ही हमेशा सुशांत के दिमाग में भूत प्रेतों का डर भरा करती थी। जब ऐसा करने से रोकने की कोशिश की गई तो मेरा घर में आना रिया ने बंद करवा दिया। जब सुशांत की तबीयत खराब हो गई तब रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ही सुशांत की दवाएं लाया करते थे। इस कपल के बीच कुछ तो काफी ज्यादा अजीब था। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के कई दोस्त हैं जो रिया के इंटेंशंस पर सवाल उठा चुके हैं। बीते दिनों रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की इंस्टाग्राम चैट लीक हुई जिस पर कई तरह के सवाल उठाए गए। रिया चक्रवर्ती को लेकर कई सितारे निशाना साध रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर रिया सुशांत को इतना ज़्यादा प्यार करती थी तो डिप्रेशन से जूझ रहे सुशांत को अकेला छोड़कर कैसे चली गई। आपको बता दें, इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के कुक नीरज से पूछताछ के बाद अब सीबीआई की टीम रिया चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर अब तक सीबीआई ने रिया का कोई बयान दर्ज नहीं किया, ना ही रिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, एक या दो दिन में सीबीआई रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज करने के लिए रिया को बुला सकती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।